श्रीगंगानगर के नई मंडी गढ़साड़ा में विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों ने आज रोष मार्च निकालते हुए एसडीएम मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया है और इसके साथ साथ एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है व्यापार मंडल के वर्तमान अध्यक्ष किशन सिंह जी दुग्गल। कन्हैया लाल की जिस तरीके से हत्या की गई है, हमारी मांग है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और इस षड्यंत्र में जो जो लोग उनके साथ हैं उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। अमानवीय कृत्य कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के ऊपर किया गया, हत्या की गई, फिर आज रणनीति भी बनाई गई है और कहीं ना कहीं कल मंडी बंद का ऐलान भी किया गया है, क्या कहेंगे? विभिन्न संगठनों से आपकी बातचीत हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पूरे गढ़साड़ा वासियों का सहयोग रहा है क्योंकि ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है। एक साधारण सी पोस्ट डालने के उपरांत ही एक छोटी सी बात है कि पोस्ट आई है तो फॉरवर्ड कर दी, उसके ऊपर भी वो, जबकि वो पोस्ट भी कोई आपत्तिजनक पोस्ट नहीं है, उसके से नाराज होकर और एक सरे बाजार के अंदर दिन दहाड़े जो निर्मम हत्या की है, यह दर्शाता है कि राजस्थान में इस टाइम कितनी ज्यादा अराजकता है। इस तरह के जो अपराधी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये सबकी जन भावना है और इसीलिए आज काफी ज्यादा लोग सहयोग में रहे इस बात के लिए। बिल्कुल, सरकार की बात की जाए मैडम तो देखा जाए तो लगातार जो अपराध है वो बढ़ रहे हैं, चाहे गढ़साड़ा हो या समूचे राजस्थान की बात की जाए। उदयपुर के अंदर कल जिस प्रकार घटना घटित हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? उदयपुर की जो घटना घटी है उसको पूरा देश ही, मतलब उस घटना को बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है कि बहुत ही गलत ये घटना घटी है। लेकिन जहाँ तक हमारे राजस्थान में सरकार की बात आती है, सरकार के मामले में मैं ये कहूँगी कि जिस तरीके से कन्हैया लाल जी ने पहले कह दिया था कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी जा रही है तो मुझे सुरक्षा दो, लेकिन सरकार बिल्कुल नाकाम रही है इसमें। प्रशासन पूरा, मतलब पूरा का पूरा नकारा साबित हुआ है, उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अगर कोई एक्शन लिया होता तो इस तरीके की घटना राजस्थान में नहीं होती। कुल सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं और मुख्य तौर पर मांग की जा रही है कि कन्हैया लाल के हत्यारियों को सजा दी जाए और जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, अन्यथा ये आंदोलन और अधिक उग्र किया जाएगा। मैं मेरे सहयोगी नवीन के साथ विकास पारिक A1 TV गढ़।